दोस्तों आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। ऐसे में यह मुकाबला बेहद ही खास होने वाला था और हुआ भी ऐसा ही। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही टीमों के बीच बेहद ही खतरनाक मुकाबला खेला गया। मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के शानदार कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई। ऐसे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस बड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी टीम के तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए और 15 रन की स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका लग गया। पारी के तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने कप्तान बाबर आजम को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराया। बाबर 9 गेंदों में 10 रन बना सके, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए फखर जमान ने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर अपनी टीम की पारी को संभालने की कोशिश करी। लेकिन आज हमारे भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का, जो हर गेंदबाजों को बिल्कुल सही तरीके से गेंदबाजी करवा रहे थे और नतीजा 42 रन पर पाकिस्तान को दूसरा झटका लग गया। पाकिस्तान की पारी के 6वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में फखर जमान को पवेलियन भेज दिया। फखर 6 गेंदों में 10 रन ही बना सके, जिसके बाद तो भारतीय गेंदबाज और भी शानदार गेंदबाजी करने लगे। दोस्तों भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले में इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे थे कि 14 ओवर तक पाकिस्तान की टीम ने 100 रनों पर अपने 5 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे और नतीजा पाकिस्तान की टीम 19.5 ओवर खेलकर 147 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। दोस्तों इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए तो हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह को 3-3 विकेट मिले, जबकि आवेश खान 1 विकेट मिला। अब दोस्तों भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 20 ओवर में 148 रन बनाने थे। ऐसे में दोस्तों 148 रन बनाने के इरादे से उतरे भारतीय टीम के दोनों ओपनर लोकेश राहुल और रोहित शर्मा भारतीय टीम को बेहद ही खराब शुरुआत दिलाई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी और अच्छी गेंदबाजी की और भारत को पहले ही ओवर में झटका दे दिया। 19 साल के डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज नसीम शाह ने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल को बोल्ड किया। राहुल खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद विराट कोहली और रोहित ने मिलकर पारी को संभाला और टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि दोस्तों इसके बाद इस दबाव वाले मैच में रोहित शर्मा भी 12 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके तुरंत बाद विराट कोहली भी 35 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम ने 9 ओवर में 50 रनों के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। दोस्तों रोहित के आउट होने के बाद जडेजा को सूर्यकुमार यादव से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और जडेजा ने सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर पारी को संभाला।